तो गाइस आप लोग कमेंट करते हो कि राजा भैया आप महीने का कितना पैसा कमाते हो। तो गाइस अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, हल्की हल्की धूप निकल चुकी है, ठंडी रही हवाएं चल रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। सानी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। भगवान इसके अलावा ये कुछ नहीं बोल पाती। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, सभी बेटा बेटी का आशीर्वाद भरपूर है एकदम। हाँ, और हमको भी आशीर्वाद दे दो। खुश रहो। और रामनवमी आने वाला है तो सभी दोस्तों को जय श्री राम। ऐसे ही खुश रहिए। आज के प्यारे व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जस्ट अभी वीडियो का एडिटिंग कर रहे हैं तो अभी एक थोड़ा सा अनहोनी हो गया है गैस वाला में। इधर सुहानी का हाथ जो है जल गया। कैसे जला लिया हाथ? देखिए देखिए ना, पूरा गैस से पूरा भाई साहब हाथ जला दिए। देखे 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 लगा आराम कर। नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा वो लग जाता जल जाता है ना, तो उंगली फूल, वो उंगली फूल जाएगा ना, तो उसको ब्लेड से काट के उसको बहाना पड़ेगा। हाँ ठीक हो जाएगा। चलो करते रहते हैं। तो इधर देख सकते हो खाने का जुगाड़ चल रहा है। इधर मम्मी जो है मकई को बढ़िया तरीके से भूल करके रख रही है ताकि मक्का का रोटी बन सके ना मम्मी। हाँ। कल मंगाई है मम्मी बहुत महंगा। कै रुपए किलो मिला है मम्मी? 25 के। 10 किलो मंगाए है 250 का। 250 का ना। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पापा लेकर के आए हैं ओल, और ये है केरा का जड़ है तो उसको जलाया जाएगा, ओल का सब्जी बनेगा। ये देख सकते हो अभी खेत में से लेकर के आए हैं और इसका सब्जी बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये देखिए आप लोग, ये बहुत पहले ही खन करके रखा हुआ था। ये एक एक किलो आधा आधा किलो का होता है लगभग करीबन। इधर पापा से हम आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। पापा गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। और इधर आपकी विश्व सुंदरी बहन जो है इधर रेडी हो रही है क्योंकि अभी जस्ट एक मन किया कि अभी रील शूट करें तो उसी के लिए खाना पूरी छानेंगे और हम भैया मिलकर जो है वीडियो बनाएंगे। दिन रात जो आप लोग के लिए मेहनत करते हैं भैया को, इस तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हाँ ये हुई ना बात, आज कुछ बोली है गूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो भुजिया कटा हुआ है। नहीं बोलते हैं। यहाँ पे देखिए भुजिया कटा हुआ है, प्याज है, मर्चा है, और वहाँ पे खिचड़ी चढ़ा हुआ है। पूरी देखिए छना गया है। ये चप्पल देखिए मना करते हैं कि साइड कर दिया करो, कहीं किचन का घर है। हाँ मम्मी तो मम्मी बोल रही है भैया कि इसको पसार दो आप। दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा हो गया, ये हाथ में थोड़ा सा भी कुछ नहीं कटा है तो मम्मी अंधेरी में आके इसी में तेल लगा दिए। बताइए मम्मी को लग रहा है चश्मा दिलाना पड़ेगा। ये हाथ कटा हुआ, ये जो देखिए ये सब कट गया था गाइस, सब जगह पे अलता लगा है, ये सब छिछरा गया था पूरा, देख रहे हैं आराम से सब पे अलता। देखिए ये देखिए ये जो बीच, अरे मम्मी ये जो बीच में ये दिख रहा है यही कटा हुआ। ये देखिए ये कट गया यहाँ से यहाँ तक। छोड़ दो हो गया, बस रहने दो। ये देखिए ये बीच वाला है ना, ये देखिए आय आय आय। तो आज ऐसा हो गया ना कि हम लोग व्लॉग शूट नहीं कर पाए थे, सबके सब सो गए थे, तो अभी जस्ट थकावट हो गया था इसीलिए हम लोग सो गए थे। क्योंकि डेली रूटीन के हिसाब से डेली 10-20-50 ऐसे वीडियो शूट होता रहता है ना। रील्स में समझिए कि 300 वीडियो हो जाता है शूट दिन भर में ना सुनिए। उसको एक दिन में 10 वीडियो अपलोड करना होता है इंस्टाग्राम पे। तो सुहानिया भी बनी थी सनी देओल, और इधर मम्मी है, उधर पापा जी बैठे हुए जो कैमरा पकड़े हुए हैं। बाकी अभी थोड़ी देर का अपडेट देते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है? तो गाइस अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम। ये देखिए छुटकी मम्मी है वहाँ पे। अभी हमारा फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था तो रिचार्ज करवाने गए थे नेट पैक का, ऐसा सीन था। और आज व्लॉग अच्छे से हम नहीं बना पाए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। थोड़ा सा माइंड में वो चीज़ें चल रहा है कि अपने फैमिली को, यूट्यूब फैमिली उनको बताए कि क्या मेरे साथ प्रॉब्लम सी चल रही है ये सब चीज़, क्योंकि आप लोग बता देते ना तो यहाँ से दिमाग हल्का हो जाता है ना। तो चलिए खाना वाना बनता है फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये हमारा पीछे का घर है, ये देख सकते हो आप लोग, ये हमारा बहुत पुराना घर है, आपको काफ़ी सारे व्लॉग में हम दर्शा चुके हैं। और ये देखिए हमारा अनार का पेड़, यहाँ पे जो छोटा छोटा बीज लगा हुआ है, सॉरी फूल लगा हुआ है ताकि अनार बढ़ेगा तो सुहानी तोड़ तोड़ खाएगी ना।
तो गाइज अभी जो हल्का हल्का शाम होने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी जो है पक्का पक्की 6 बजने वाला है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तोता जो है आराम से बैठा हुआ है, और इधर जो है आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे सिंगार का सारा सामान जो है रखा हुआ है। यहाँ पे बर्तन जो अभी धुलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो शूटिंग हो रहा था गर्ल्स के, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो अभी जा रहे हैं बर्तन को धोते हैं। और आज जो हमारे घर में खिचड़ी बना था वो सारा ख़त्म, अभी थोड़ा सा बचा हुआ इसमें रख दिए हैं, और इसमें जो मम्मी दही जमा रही थी बहुत ही खट्टा हो गया, बहुत ही बदबू दे रहा है। यहाँ पे दही है, और इसमें देखिए भैया के लिए पूरी भुजिया बनाए थे तो भैया खा लिए, थोड़ा सा बचा हुआ था पूरी भुजिया, इसे रख देते हैं और अभी जा रहे हैं बर्तन धुलने। और आज जो है ब्लॉग भी शूट सही से नहीं हो पाया, क्योंकि भैया का जो है तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर पापा जी हैं, वहाँ पे पापा जी है, और वहाँ पे दोनों बकरी आराम से बैठा हुआ है। अभी जाते हैं बर्तन धुलने के लिए, मम्मी भी कहीं गई है, यहाँ पे है मम्मी, ये देख सकते हैं आप लोग, मम्मी आए कितना गुस्सा है। अभी जा रहे हैं बर्तन धुलने, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो अभी कसन कुछ ऐसा है, यही कारण है जो आज पूरा दिन अच्छे तरीके से हम लोग नहीं शूट कर पाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था, अपडेट करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। वीडियो तो शूट कर रहे थे फिलहाल, लेकिन डर था। अब फ़ोन ओपन होता है आईफोन 13 प्रो मैक्स, तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा डर लगा हुआ है कि इसमें जो जितना सारा डाटा है, बहुत सारी यादें हैं, फ़ोटो वगैरह सब कुछ हमने क्लिक करके रखा हुआ है, सारे ब्लॉग्स हमने इसमें शूट करके रखे हुए हैं। अब ये देखिए कितना टाइम लगेगा, कहीं वो सब सारा कुछ डिलीट ना हो जाए। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं मनोज भैया से, और काफ़ी सारे टेक यूट्यूबर भैया लोगों से हमने मैसेज करके पूछा, वीडियो उनको भेजा कि भैया कोई परेशानी तो नहीं हो, तो उन्होंने बोला कि अभी तो कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल अभी मनोज भाई का रिप्लाई तो नहीं आया है व्हाट्सएप पे, उनका देखते हैं वो उनका क्या ओपिनियन है। एक भैया ने अभी उल्लास कामते भैया ने अभी रिप्लाई दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपडेट कर लो। यही कारण है कि अपडेट नहीं कर रहे थे हम, और आज पूरा दिन व्लॉग नहीं कर पाए। आउक्लाइड ऐसे कुछ करके आ रहा था अपडेट वर्जन का, तो उस चीज़ से हम शूट करने में परेशानी हो रहा था। इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी खाना बनाने में लगी हुई है, देखिए एकदम गर्म गर्म रोटी। और भाई साहब अभी हमको करना है रील शूट, अब करे से क्या करें, अभी मोबाइल तो है बंद। तकरीबन 20 मिनट हो चुका है और ये थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है, देख। तो गाइस आप लोग कमेंट करते हो कि राजा भैया आप महीने का कितना पैसा कमाते हो, तो गेस करो कि मैं कितना महीने का कमाता हूँ। हर कोई कमेंट करते रहते हैं, क्योंकि रात में क्या हुआ था कि हमारा जो फ़ोन है ना वो अपडेट करने में लगा दिए थे। अपडेट होने के कारण से क्या हुआ कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग गया, और 1.5 से 2 घंटा लगने के बाद क्या हुआ ना कि जब वो ओपन हुआ तो मतलब 3-4 सेटिंग करना हो, तो वो सेटिंग करते 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 मतलब थोड़ा टाइम हो गया। एक वाईफाई वाला सिस्टम था जिसमें हमारे पास खुद ही उसके अंदर नेट था सिम में, बट वाईफाई कनेक्ट मतलब ऐसा सीन हो गया था ना कि वो वहाँ से हट ही नहीं रहा था, उसको क्लिक करके पता नहीं, उसमें स्टार्ट नाउ का ऑप्शन था, वेलकम टू करके आया था, नया ISO का था, नया अपग्रेड वर्जन। तो भैया लोगों को हमने कॉल किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही, तो भैया ने फिर वीडियो कॉल पे बात करी, उसके बाद तो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, फिर उन्होंने बात करके जो है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल दिया। तब जाके जो है फिर रात में करीबन 9:30 बजे मैं फ्री हो पाया, अपडेट होने के बाद फ़ोन मतलब हनाहन चलने लगा। आईफोन में कैसा हो रहा था ना कि जब भी वीडियो शूट कर रहे थे तो उसमें ऑप्शन आता था, एक कैंसिल का एक ओके का आता था, उस पर लिखा हुआ रहता था अपग्रेड योर वर्जन फुल स्टोरेज, मतलब स्टोरेज खाली होने के बाद भी ऐसा हो रहा था। तो इसी वजह से जो है हम व्लॉग कंटिन्यू शूट नहीं कर पाए। अभी सभी लोग खाना वाना बना लिए, तो हमने सोचा कि आज कोट पैंट पहन लेते हैं, फिर आप लोगों को जवाब देते हैं। तो भाई महीने का तो नहीं बताऊंगा, बट इस महीने में जैसे तैसे करके पैसा आ गया है, समझ लीजिए सिर्फ घर चलने लायक है। हर महीने के तरीके से जैसे पहले स्टार्टिंग में आता था उतना पैसा नहीं आता है, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानियाँ झेलना पड़ता है, क्योंकि मम्मी को पापा को सभी को देखना होता है, घर चलाना होता है, इस चीज़ को लेकर के। तो मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया बिजनेस यानी दुकान वगैरह खोलूँगा, मतलब ये तो मेरा यूट्यूब चल ही रहा है, एक बैकअप हो जाएगा वो हमारे लिए। आप लोग क्या बोलते हो, और महीने का कितना पैसा आता है आप लोग कमेंट करते हो। तो भाई महीने का हमारा अप्रोक्स मतलब 2 मंथ में कभी 1 मंथ आया भी नहीं, तो ऐसा अभी चल रहा है, मतलब आप लोग सपोर्ट करो तो सब ठीक हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप एक अच्छा सा स्मार्टफोन ले सकते हो, स्मार्टफोन अभी नया में सैमसंग का कौन निकला है, मतलब बहुत महंगा वाला नहीं, 10,000 के आसपास करीबन में होता है,
तो 10,000 से थोड़ा सा आगे बढ़िया ना, बस उतना तक पेमेंट आ जाता है, जिसमें जो है हमको गाड़ी का EMI भी भरना होता है, उसी पैसे में खुश रहता हूँ। पहले क्या होता था कि 4 गुना आता था, फिर 4 गुना से 3 गुना हो गया, 3 गुना से 2 गुना हो गया। जैसा कि आप लोग पता है कि जिस तरीके से व्यू डाउन जाएगा तो उस हिसाब से कम पैसे आने लगेंगे, तो वही चीज़ें होता है। जैसे वायरल होगा तो बस मतलब उस हिसाब से पैसा जो है बढ़ने लगता है, क्योंकि जितना व्यू जाएगा उस पर जितना एड चलेंगे उतना ही पैसा आएंगे। तो बस अभी जो है नॉर्मली चल रहा है, समझिए ना कि अप्रोक्स मतलब मैं बता नहीं सकता, डर सा लगता है कि कहीं वीडियो ना उड़ जाए, हमारी डिलीट हो जाए। तो आप लोग समझ लो कि एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन खरीद सकते हो, नॉर्मल सा ही बस बढ़िया सा फ़ोन ले सकते हो, यानी 10,000 के ऊपर ही, 10,000 में समझिए ना कि 5,000 और जोड़ दीजिए, उसी के आसपास हमारा पेमेंट आता है। यही सच्चाई है, फिर भी हम खुश रहते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, जो भी चीज़ें होता है फिर भी हम वीडियो बनाते रहते हैं, हार नहीं मानते। क्योंकि एक टाइम में क्या होता ना यार कि हमारे 0 व्यू आते थे, बट अभी के टाइम में अगर इतना भी व्यू आ रहा है ना तो मेरे लिए बहुत है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस थोड़ा और अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी ब्लॉग देंगे तो जरूर वायरल होगा, फिर से सपोर्ट हमें मिलेगा, फिर आप लोग हमें आगे बढ़ाओगे। बाकी इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वहाँ 7 लाख की फैमिली होने वाला है, 6,60,000 फॉलोवर हो चुका है। तो बगल में इंस्टाग्राम करके जाकर के फॉलो कर लीजिए, बिहार समस्तीपुर से दिख रहे पूरा फुल सपोर्ट आदि से दिख रहे पूरा पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। चैनल पे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन है, इंस्टाग्राम पे जाकर जरूर फॉलो कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए भाई को, वहाँ सपोर्ट कीजिए, शायद वहाँ भी कुछ ना कुछ पैसे वैसे का सोर्स बन जाए। अभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है वहाँ से पैसा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे समझिए ना कि मतलब बोनस वोनस का किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं आया, मैंने ब्लॉग बता ही दिया है आप लोगों को, जब भी आएगा आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। बस अपना क्यों निकाल के मिला आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत